जय श्री राम, सत श्री अकाल, आप सभी का हेडलाइन भोजपुरी में स्वागत है। कल यानी पिछले दिनों अरविंद अकेला कल्लू यानी जो बक्सर के एक सुपरस्टार सिंगर और एक्टर हैं, उनका एक मूवी का ट्रेलर आया है जिसका नाम है विजेता। आपने इस ट्रेलर को देखा होगा तो आपको पता चला होगा किस बेस पर ये ट्रेलर यानी मूवी बनाई गई है, जबकि जिसने नहीं देखा वो जाकर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड चैनल पर इस ट्रेलर को यानी विजेता मूवी के ट्रेलर को जाकर देख सकता है। बहुत ही खुशी की बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में और भोजपुरी बोलने वाले और सुनने वालों के लिए इस तरह का मूवी बनाया जा रहा है जो स्पोर्ट्स से संबंधित है। जिस तरह से हमारे आईएएस या आईपीएस बिहार का नाम रोशन करते हैं, हर बार बिहार का आईएएस और आईपीएस का ज़्यादा से ज़्यादा देश में सीट निकलता है, उसी प्रकार स्पोर्ट्स को भी स्पोर्ट में बढ़ावा देने के लिए रत्नाकर सर यानी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड और जितेंद्र जी जो इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं, काफ़ी बेहतरीन बात है भोजपुरी के लिए और बिहार के लिए। खासकर बिहार में जो युवा हैं वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और उन्हें स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, यह मूवी ये दर्शाता है। और भोजपुरी के लिए खुशी की बात है कि हर प्रकार के स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कहिए थ्रिलर कहिए या रोमांटिक कहिए या मतलब कि भोजपुरी में हर प्रकार के मूवी बनना शुरू हो गया है और मूवी का लेवल हर दिन हर बार हर जगह लेवल आगे ही बढ़ रहा है। तो इसमें जिस तरह से अरविंद अकेला कल्लू ने काम किया है उनको बहुत ही सराहा जा रहा है, क्योंकि इस मूवी में ट्रेलर को देखने के बाद यही पता चलता है कि ये मूवी एक रनिंग पर आधारित है, जो बिहार के जो युवा हैं वो एथलेटिक्स में अपना भाग ले और इस मूवी की तरह अपना विजयी बिहार को प्रेजेंट करे। आपने देखा होगा देव सिंह जो अरविंद अकेला कल्लू के ऑपोजिट रोल कर रहे हैं वो बिहार को प्रेजेंट करते हैं, जबकि अवधेश मिश्रा जो अरविंद अकेला कल्लू के पिताजी हैं वो इसमें विलन यानी कहिए कि गुरु का रोल निभा रहे हैं। सुनील सिंह भी इसमें काफ़ी अच्छा विलन का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात किया जाए पूरी की पूरी टोटल मूवी का तो बहुत ही बढ़िया मूवी बनाया गया है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं प्रयाग पाटिल, जो काफ़ी अपने आप में बेहतरीन मूवी बनाने के लिए जाने जाते हैं। स्टारकास्ट की बात किया जाए तो अरविंद अकेला कल्लू, अवधेश मिश्रा, सुशील सिंह, देव सिंह और मुट्रू यानी जो कॉमेडियन है वो, यामिनी सिंह, कनक पांडे, इस प्रकार के और भी काफ़ी स्टारकास्ट में लोग हैं। कहा जाए तो मूवी बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है और बिहार के लिए गौरव की बात है कि अश्लीलता से हटकर इस प्रकार की भी मूवी बनाई जा रही है। ये बहुत ही खुशी की बात है बिहार और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कि दिन प्रतिदिन भोजपुरी इंडस्ट्री तरक्की कर रहा है और ऐसी भी मूवी बनाई जा रही हैं। काफ़ी अरविंद अकेला कल्लू जी का रोल देखकर अच्छा लगा, क्योंकि वो इमोशनल सीन से लेकर फाइटिंग सीन से लेकर हर प्रकार के सीन करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इस मूवी में करके यानी उन्होंने इस ट्रेलर में करके दिखाया भी है। आप सभी कितने एक्साइटेड हैं जब ये सिनेमा घर में लगेगी जाने के लिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।